तो चलिए, आपके पास ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अब तक ऑब्जर्व करना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं ना। तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक तो टेन एक्स इन्वॉल्व है और उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, और दूसरा यहाँ पे इन्वॉल्व है सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ, ये थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है ना, इस चीज़ को हम अपियर करा सकते हैं, एक टेन इससे अलग कर दें तो टेन क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर टू एक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब देखिए, सेक एक्स का ये क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सेक एक्स है नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख के सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कन्वर्ट आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। अब आप क्या सब्सटीट्यूशन करोगे आप, ठीक है, सेक टू एक्स को टी पुट कर दो, है ना, और उसका डेरिवेटिव वहाँ पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, लेट सेक टू एक्स इक्वल्स टू टी, तो सेक का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और साथ में क्योंकि चेन रूल लगेगा इस टू एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो उसका क्या आ जाएगा, टू डी एक्स इक्वल्स टू टी का वन हो जाएगा, तो वन लिखेंगे नहीं डी टी हो जाएगा, ये टू एक्स्ट्रा है इसको उस साइड में भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक तरह से, तो डी टी बाई टू। तो जो आपके पास ये चीज़ पड़ा हुआ है इसको आप क्या लिख दोगे, डी टी बाई टू, और जहाँ सेक टू एक्स है वहाँ पे आप टी लिख दोगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया आपका, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया डी टी बाई टू। तो ये जो बाई टू है ये कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं वन बाई टू और यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इंटीग्रल क्या होता है आपका, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा, दैट इज वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी एंड माइनस वन डी टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का आपका, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, और माइनस टी हो जाएगा और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। लेकिन ये फाइनल आंसर तो हुआ नहीं क्योंकि टी आपका डमी वेरिएबल है, टी को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो भी आपने टी एज्यूम किया था, क्या किया था, सेक टू एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक टू एक्स का क्यूब, या सेक क्यूब टू एक्स लिख दें, अपॉन थ्री माइनस सेक टू एक्स और प्लस सी हो गया, ये वन बाई टू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास क्या आंसर अवेलेबल है, देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, हमारी तरफ से ये फाइनल आंसर हो गया।